हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, आज हम रसमलाई बनाएंगे। तो जिसके लिए हमने ये 1.5 लीटर दूध लिया है, इसे हम उबाल लेंगे। तो ये दूध हमारा अच्छे से बॉयल होने लगा है। तो अब हम इसमें 3 चम्मच सिरका डालेंगे, जिसे हमने 3 चम्मच पानी के साथ मिला के रखा था। तो ये देखिए, सिरका डालते ही दूध हमारा फटना शुरू हो गया है। तो ये दूध हमारा पूरा अच्छी तरीके से फट चुका है। गैस को हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। हल्का ठंडा करने के बाद हम इसमें से छेना छान के अलग कर लेंगे। सारा पानी हम इसका निचोड़ के अलग कर लेंगे। वापस से एक बार पानी से डाल के हम इसे छान लेंगे, ताकि इसमें से सिरका का फ्लेवर निकल जाए। तो अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो ये हमने 1 कटोरी चीनी ली है, 1.5 कटोरी हमने इसमें पानी डाला है। अब चाशनी को हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। तक चाशनी हमारे यहाँ पे पक रही है, तब तक हम छेना को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और बहुत ही अच्छे से हम इसे मस लेंगे। जितना अच्छा से आप इसे मस लेंगे, उतनी अच्छी आपकी रसमलाई बनके तैयार होगी। तो इस तरह से हमने छेना को मसल लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। तो हमने इसे इस शेप में बनाया है। आप चाहें तो इसे गोल भी रख सकते हैं। तो अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। इसे ढक के हम 15 मिनट के लिए चाशनी में पकने के लिए छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देंगे, ताकि चाशनी हमारी जमे नहीं। वापस से हम इसे कवर करके चाशनी में पकने देंगे। तो ये हमने कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 लीटर दूध डाल देंगे।
और इसे लगातार चलाते हुए हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक दूध हमारा आधा ना हो जाए। ये दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा भी हो गया और काफ़ी हद तक थोड़ा कम भी हो गया है, तो अब हम इसमें केसर डाल देंगे। केसर को हमने पहले से ही दूध में भिगो के रखा था। इसके बाद हम इसमें मिठास के अनुसार चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो इधर हमारे 15 मिनट हो गए हैं, तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो ये छेना हमारा हो चुका है। फ्लेवर के लिए हम इसमें कुटी हुई इलायची डाल देंगे। ये रबड़ी भी हमारी बनके तैयार हो गई है, इसे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। तो अब हम अपनी रसमलाई को सर्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम छेना की तैयार की हुई टिक्की को डालेंगे। अब ऊपर से तैयार की हुई रबड़ी को हम डाल देंगे। रसमलाई को आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि रसमलाई बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए, तो खाने में और भी मज़ा आएगा। तो आज की आपको रेसिपी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गार्निशिंग के लिए अब हम इसमें ऊपर से पिस्ता बादाम डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी रसमलाई बनके बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जाते जाते लाइक करते जाएं। थैंक यू।